और इस बीच एक महत्वपूर्ण खबर राजधानी जयपुर से। नवरात्रों में शहर के क्लब्स के बाहर नकली किन्नरों का आतंक। जी हां, वीकेंड पर क्लब्स के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं नकली किन्नर, लोगों के साथ साथ पुलिसकर्मियों से भी उलझने का प्रयास करते हैं। ज्योति नगर इलाके के जारजा क्लब के बाहर ये नजर आया, ये पूरा का पूरा नजारा, आपस में उलझ गए नकली किन्नर। सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों से भी अभद्रता की गई। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है। अब देखना होगा कि अब जांच में क्या कुछ निकल के आता है, क्योंकि ये तो साफ हो गया है कि ये नकली किन्नर है। ज्योति नगर इलाके के जारजा क्लब के बाहर ये पूरा नजारा कैद हो गया और ऐसे में आपस में उलझते नजर आए। जब पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा तो पुलिसकर्मियों से भी अभद्रता की गई है। सत्यनारायण शर्मा सीनियर स्पेशल रिपोर्टर ज्यादा जानकारी देंगे, उनका रुख करेंगे। सत्यनारायण, क्योंकि विस्तार से बताइएगा, क्योंकि ये पहली बार नहीं है इस तरीके से नकली किन्नर बनकर लोगों को एंटने का काम कई लोग करते हैं, लेकिन इस पूरे मामले में क्या कुछ हुआ जरा बताइएगा। पूनम, देखिए, जैसे ही राजपक्ष खत्म हुई और फेस्टिवल सीजन शुरू हुआ है पूरे जयपुर शहर के अंदर, इस प्रकार से नकली किन्नर रोजाना जब पूरे क्लबों के बाहर इकट्ठे होते हैं, हंगामा मचाते हैं, लेकिन कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता, क्योंकि ट्रांसजेंडर होने का फायदा मिलता है। लेकिन अब पता लगा कि नकली किन्नर है, तो ऐसे में बीती रात भी ज्योति नगर इलाके के जारजा क्लब के बाहर काफी देर तक हंगामा मचा, एक दूसरे के ऊपर पत्थर फेंके, पुलिस की गाड़ी के ऊपर पत्थर फेंके, लेकिन पुलिस ने एक नकली किन्नर को डिटेन किया है। फिलहाल उसे पूछताछ की जा रही है। ये बात भी सामने आ जा रही है कि नकली किन्नर केवल पैसे उगाने के लिए इकट्ठे होते हैं, अलग अलग वेशभूषा बदल के आते हैं और बाहर आके काली गलौज करते हैं। काली गलौज से बचने के लिए लोग बिना किसी डर के कारण उनको पैसे दे देते हैं और मौके से रवाना हो जाते हैं। लेकिन अब पुलिस एक्टिव हो चुकी है और जयपुर के बाहर, जब जारजा के बाहर ये मामला सामने आया, जब कैमरे में कैद हुआ है, तो सामने आया कि करीबन एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 50 से अधिक नकली किन्नरों की रोह पूरे जयपुर शहर में सक्रिय है। ऐसे में आज शुक्रवार है, तो ऐसे में आज रात को पुलिस की विशेष अभियान चलाएगा और नकली किन्नरों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि ये लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ते हैं ही, और साथ साथ पुलिस कर्मियों और लोगों के ऊपर पत्थर फेंककर जो जिस प्रकार से अपराध की भावना को भड़काते हैं, तो उसको रोकने के लिए पुलिस भी सक्रिय हो गई है। एक नकली किन्नर गिरफ्तार किया गया है। माना जा रहा है कि आज जयपुर शहर के अंदर विशेष अभियान चला के नकली किन्नर गिरोह का पर्दाफाश किया जाएगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पूनम, चलिए नजर बना के रखिएगा, जानकारी आपसे आके भी लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका सत्यनारायण। तो लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ रही है, पूरे जयपुर में जानकारी मिल रही है, लेकिन अब जब एक किन्नर को, जिसे नकली बताया जा रहा है, नकली किन्नर वो है, और अब उन्हें हिरासत में ले लिया गया है, तस्वीरें भी सामने आ चुकी है, जरा देखिए किस तरह से ये पुलिसकर्मियों से भी उलझते नजर आए। ज्योति नगर इलाके के जारजा क्लब के बाहर ये पूरा नजारा नजर आया। नवरात्र में शहर के क्लब्स के बाहर नकली किन्नर इकट्ठा हो जाते हैं, उनका आतंक नजर आता है। वीकेंड पर क्लब्स के बाहर इकट्ठा होकर लोगों से पैसे लेने का ये काम करते हैं, और साथ साथ ही सिर्फ लोग ही नहीं, पुलिसकर्मियों से भी अभद्रता करने की यहां पर कोशिश की गई। अब देखिए, एक एक नकली किन्नर को तो हिरासत में ले लिया गया, जांच के बाद क्या कुछ साफ हो पाएगा ये बहुत जल्द आपको बताएंगे, लेकिन इसलिए कहा जा रहा है कि नकली किन्नरों के झांसे में आप भी मत आइए।